नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की 100 बड़ी खबरों से। दुनिया भर में गहराती बाल श्रम की समस्या, बच्चों से स्कूल जाने का छीन लेता है अधिकार। तेलंगाना सरकार का फैसला, EWS कोटे के तहत महिलाओं को मिलेगा 33.3% आरक्षण। केरल में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 31,000 नए मामले। आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है बुनियादी ढांचे का मजबूत होना। भांग और कोकीन के लिए भी विमानन कर्मियों की होगी जांच, DGCA ने जारी किया नियमों का मसौदा। केरल के कारण देश में नए मामलों में भारी उछाल, पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा केस हुए दर्ज। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित 3 महिलाओं समेत सभी 9 न्यायाधीशों को दी मंजूरी, जस्टिस नागरत्ना बन सकती है पहली महिला CJI। एक एंजाइम बनता है कोरोना संक्रमण के ज्यादातर मरीजों में मौत की वजह। अच्छे लगे 75 स्वर्ण में होंगे अगले 5 साल। ग्रीन एनर्जी आधारभूत ढांचे में निवेश और स्टार्टअप से चमचमा जाएगा कॉरपोरेट सेक्टर। ऑनलाइन शादियां कराई जा सकती हैं या नहीं, विचार करेगा केरल हाई कोर्ट। उत्तराखंड हिमाचल में भारी बारिश तो दिल्ली में उमस, चंडीगढ़ में आज बदलेगा मौसम। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल से आज 180 और लोग लाए जाएंगे स्वदेश, नेपाल नागरिक भी शामिल। असम मेघालय सीमा पर फिर से बड़ा विवाद, हाथापाई में मेघालय के पुलिस अधिकारी घायल। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने की सीमा पार, आतंकवाद की निंदा। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती के मामले को लेकर अहम फैसला। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, एक दिन में 46,000 से ज्यादा मामले। केरल में 31,445 नए केस, महाराष्ट्र में भी बिगड़े हालात। काबुल से विदेशी लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर, आज 180 और लोग जाएंगे भारत। केंद्रीय मंत्री ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना के बढ़ते मामलों से केरल की स्थिति चिंताजनक। भारत बायोटेक के चिकनगुनिया टीके का कोस्टारिका में क्लिनिकल परीक्षण शुरू, पहले प्रतिभागी को दी गई खुराक। वैक्सीनेशन में जल्द शामिल होगी जाइडस कैडिला की वैक्सीन, बच्चों के टीकाकरण पर आएगा रोडमैप। अफगानिस्तान के हालात पर सर्वदलीय बैठक जारी, विदेश मंत्री कर रहे विपक्षी दलों के साथ चर्चा। गरीबों, पिछड़ों, किसानों और वंचितों के प्रति समर्पण की मिसाल रखे, यह कहना है पूर्व CM कल्याण सिंह का। स्वच्छ संसद अभियान की आवश्यकता, संसद में पहुंचने वाले हमारे सभी जनप्रतिनिधि स्वच्छ छवि वाले हों। मैसूर में पहली बार भाजपा की पार्षद बनी मेयर, कांग्रेस के उम्मीदवार को दी शिकस्त। चीन ने शुरू की वार्ता तो भारत का बदला रुख, तालिबान के साथ रिश्तों पर पुनर्विचार संभव। अफगानिस्तान की पहली गैर मुस्लिम महिला, संसद ने बयां किया दर्द, कहा वतन की मुट्ठी भर मिट्टी लाने का भी वक्त नहीं मिला। तालिबान की तुर्की से अपील, काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए दे तकने की मदद, सेना की जरूरत नहीं। तालिबान के कब्जे पर पुतिन का बयान, अफगानिस्तान के घरेलू मामले में रूस नहीं करेगा हस्तक्षेप। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत हटने को कहा, हो सकता है आतंकी हमला। तालिबान ने काबुल की सड़क पर की टोलो न्यूज के पत्रकार की जमकर पिटाई, आतंकियों का सामने आया असली चेहरा। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद भुखमरी और बीमारी का संकट, UN फूड रिलीफ एजेंसी का खुलासा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हालात तो हो रहे खराब, जाने ब्रिटेन को सता रही किस बात की चिंता और क्या दी नागरिकों को सलाह।
अमेरिका में बच्चों पर कोरोना का कहर, पिछले साल की सर्दी के बाद रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज मामले। पाकिस्तान में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 4,199 नए मरीज, पिछले 3 महीनों में सबसे अधिक मौतें। दुनिया की महाशक्ति ने लगाई गुहार, काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए आगे आए क्षेत्र के दूसरे देश। दुनिया में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 21 करोड़ 38 लाख से ऊपर, 5.03 अरब से अधिक को लगी वैक्सीन। संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक दस्तावेजों में खुलासा, तालिबानी आतंकियों ने यूएन कर्मियों को धमकाया और पीटा। बोर्ड के 20 स्पेशल स्कूलों में 9वीं 11वीं कक्षाओं में दाखिले के लिए आए 26,000 आवेदन, प्रवेश परीक्षा कल से। एफ खाते से निकालना है पैसा तो पहले चेक कर लें, ये 4 पॉइंट नहीं होगी दिक्कत। शादी की 36वीं सालगिरह पर अनुपम खेर ने शेयर किए अनसीन फोटोज, कैंसर से जूझ रही किरण के लिए लिखा भावुक पोस्ट। पूजा बेदी ने सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बताया भयानक, और बेवजह जाने एक्ट्रेस ने क्यों कहा ऐसा। अभिनव शुक्ला नहीं है रुबीना दिले की पहली पसंद, इसको एक्टर से मिल चुका है प्यार में धोखा। डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बीच नुसरत जहां की ये तस्वीर हुई वायरल, इंटरनेट पर देखी जा रही है बार बार। सीरो के सेल्फ टैग से परेशान हुए इमरान हाशमी, एक्टर ने कहा हीरोइन को किस करके थक चुका। करण जौहर संग विवादों के बीच कंगना रनौत ने शेरशाह को लेकर किया पोस्ट, लिखा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बड़ी जिम्मेदारी। यूपी के 4 दिनी दौरे पर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गवर्नर व सीएम ने किया स्वागत। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम लखनऊ कैंसर संस्थान तथा बुलंदशहर का मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सख्ती से प्रभावी बनाए नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे तक बंद हो सभी प्रतिष्ठान। उत्तर प्रदेश में स्मारक घोटाला में जल्द शुरू होगी अधिकारियों से पूछताछ। कोरोना से निपटने को बच्चों में एंटीबॉडी स्वतः तैयार, आईसीएमआर और यूपी सरकार के सर्वे में सामने आई बात। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का ऐलान, सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो करेंगे बड़ा आंदोलन। 31 अगस्त से 4 सितंबर तक होगी पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन परीक्षा, आज होगा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर वोट की राजनीति, रक्षा राज्य मंत्री बोले सामाजिक संबंधों को नहीं किया जा सकता दरकिनार। यूपी के सभी महाविद्यालय को एक सूत्र में पिरोएगा महायोगी, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। गोरक्षपीठ ने 1932 में किराए के मकान में खोला था स्कूल, अब 50,000 लोगों को मिल रही शिक्षा। लखनऊ में बनेगा बुलेट ट्रेन का जंक्शन, एक साथ दो रूटों के लिए मिलेगी सुविधा। कुद्रा प्रखंड मुख्यालय में पहली बार नहीं होगा पंचायत चुनाव, परसीमन में बदला समीकरण। पंचायत चुनाव को आदर्श आचार संहिता लागू, बैनर पोस्टर हटाने का निर्देश जारी, चैनपुर में हुई कार्रवाई। पंचायत चुनाव के पहले औरंगाबाद के नक्सली क्षेत्र में विशेष अभियान, पूर्व में मतदान केंद्र पर किया था बम विस्फोट। मुखिया पद के लिए सबसे अधिक चुनाव चिन्ह, इनके हिस्से सबसे कम। निर्वाचन आयोग ने की आरक्षित सीटों की घोषणा। राजधानी के एक फ्लैट में 5 दोस्त कर रहे थे आपत्तिजनक काम, मस्ती के चक्कर में पहुंचे हवाला। वैशाली में जहरीली शराब से 3 और मौत, अब तक 5 की जा चुकी है जान। प्रेमी हाजत में प्रेमिका पहुंच गई अस्पताल, बेगूसराय में मजहब की दीवार तोड़, प्यार करने का मामला। गया में बस में मिला बमों का जखीरा, पश्चिम बंगाल वाया झारखंड से आ रही थी बस, पुलिस हाई अलर्ट पर। महिला ने रात में प्रेमी को फोन कर बुलाया, फिर मचाया चोर का शोर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मांगे माफी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कर दी मांग। आज से सब कुछ अनलॉक, लेकिन इन कातियों पर अभी भी रहेगी पाबंदी।
पन्ना टाइगर रिजर्व में देखिए दुर्लभ फिशिंग कैट। शाजापुर जिले में तालाबों में मिला था किशोरी का शव, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। होटल की दूसरी मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, हालत नाजुक। महाअभियान के दूसरे दिन भी कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाने के लिए लगी कतार। समस्याओं को लेकर भड़के बीएसएनएल कर्मी, दी आंदोलन की चेतावनी। उज्जैन में देश विरोधी नारे लगने की घटना के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। भादो मास में भगवान महाकाल की पहली सवारी धूमधाम से निकली। भादो मास में भगवान महाकाल की पहली सवारी कल। हरीश रावत ने कहा, हाईकमान से कहूंगा पंजाब के दायित्व से मुक्त कर दे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर देवप्रयाग के समीप हुआ अवरोध। लैंसडाउन में दिल्ली के पर्यटकों की कार खड्डे में जा गिरी, दो की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे पर संवेदनशील है सत्ता। बड़ी अजीबोगरीब है ये लव स्टोरी, कानपुर में दो युवकों की जिद सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान। उद्धव ठाकरे टिप्पणी मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए नारायण राणे की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। सीबीआई ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के संबंध में 9 मामले दर्ज किए। बंगाल में ममता की सीएम कुर्सी पर कतरा, उपचुनाव जल्द कराने की मांग पर चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, एससी एसटी के लिए 100 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, कुर्सी से चिपके रहने के लिए उपचुनाव की जल्दी में है मुख्यमंत्री। मैं शिवसेना से डरता नहीं हूँ, जो कहा उस पर अब भी कायम, ये कहना है नारायण राणे का। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ उत्पीड़न संबंधी महिला की अर्जी खारिज। राजस्थान में दो गांवों में आमने सामने की हुई टक्कर में 5 की मौत, 4 घायल। राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर स्थानीय निकायों को राज्य सरकार वित्तीय मदद करेगी। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, पहले चरण का मतदान कर। जेम्स एंडरसन ने बताया, 39 साल की उम्र में भी कैसे बने हुए हैं धारदार। बैंक लॉकर में रखा सोना, किस काम का, इस तरकीब से कमाई और रखवाली दोनों होगी। नई ड्रोन नीति से देश को मिलेगी रिसर्च तकनीक में नई ऊंचाई, कई क्षेत्रों के लिए होगी फायदेमंद। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स मिलेगा 7.5% कोटा, विधानसभा में बिल पेश। अर्जुन कपूर ने शेयर किया अपनी ये हॉट शर्टलेस फोटो, स्टार्स के कमेंट्स की लगभग जड़ी। गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के बच्चों को गुजरात के स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। टीएमसी एमपी और एक्ट्रेस मिश्रित जहां बनी मांग, कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में दिया आवेदन को जन्म। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।